फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक मुझे कई बार कमेंट्स में या फिर पर्सनल कॉल्स में मुझे स्टूडेंट्स ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि किस तरह से हम अगर एडवांस की बात करें, देखिए बेसिक जैपनीज़ को शुरू करते हुए तो एक स्टूडेंट को पता होता है कि मुझे अपनी जैपनीज़ लैंग्वेज को सुधारना है तो मुझे पूरा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे N4 या फिर N3 पार करने के बाद आपको जॉब मिल जाती है जैपनीज़ लैंग्वेज में, हालांकि जॉब भी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि किस तरह से मैं अपनी जैपनीज़ लैंग्वेज को पढ़ता भी रहूं और साथ साथ मैं जॉब भी करता रहूं। इसको जैपनीज़ में रियो रिट्स कहते हैं। रियो में बोथ की कांजी होती है और रिट्स में स्टैंड की कांजी होती है, यानी कि दोनों ही चीज़ें मेरी स्टैंड रहें, खड़ी रहें, गिरे ना। इसका मतलब होता है कि हाउ टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन जॉब एंड स्टडीज़। सो लेट्स फिगर इट आउट। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको अपनी जॉब और पढ़ाई के बीच में एक बैलेंस बनाना है तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है? प्रायोरिटी का मतलब है कि क्या मेरे लिए जॉब सच में इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं N3, N2, N1 का एक जो एग्ज़ाम है वो 6-6 महीने या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसको मैं डिले भी कर दूँ तो भी सही है, जॉब मैं करता रहूँ, या फिर आपके लिए जॉब अभी उतनी प्रायोरिटी नहीं है, पहले मैं N3, N2, N1 तक के लेवल तक पहुंच जाता हूं, उसके बाद मैं दोबारा से एक हायर लेवल की जॉब को एक्वायर करने की कोशिश करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ माय JLPT लेवल। तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपको चूज़ करनी होगी। ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला ये क्राइटेरिया है कि आपको किस पाथ पर चलना है। देखिए अगर आपने एक डायरेक्शन लिया कि लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आप राइट में नहीं जा सकते हैं, और अगर आपने राइट चूज़ करा है तो उसके बाद आप लेफ्ट में नहीं जा सकते हैं, तो ये सबसे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा। देन सेकेंड थिंग, मान लीजिए, तो पहले बात करते हैं लेफ्ट पाथ की। मान लीजिए आपने चूज़ करा, नहीं मुझे जॉब भी करनी है और मुझे JLPT लेवल भी निकालना है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। देखिए जो बिना जॉब के 24 घंटे पढ़ते हैं उनके लिए 6-6 महीने में निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं तो कई बार अपने वीडियोस में बताया कि 3 महीने या 4 महीने या फिर सिर्फ 2 महीने के डेडिकेटेड पढ़ाई के साथ आपने एक लेवल से ऊपर वाले लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन बात जब आती है कि मैं जॉब भी करता हूं, तो पहली बात कि कुछ जैपनीज़ लैंग्वेज में जॉब्स होती हैं जो कि आपको सिर्फ हाफ डे या क्वार्टर, मतलब हाफ या फिर थोड़ा सा कम टाइमिंग वाली जॉब होती हैं, ऐसी भी जॉब्स होती हैं, तो अगर वो है तो आप अपने आप को टाइम सेटिंग करिए। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा लगभग 2-3 घंटे और जॉब की थकान भी होती है, तो इसके बाद और सैटरडे संडे की अगर छुट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसी जॉब नहीं होती। मान लीजिए अगर आप N5, N4 ही क्लियर हैं और आपको N3 या N2 लेवल तक जाना है, तो आपको किस तरह से अपने जॉब और स्टडीज़ के बीच में बैलेंस को स्ट्राइक करना है, तो तब आपको वो तरीके, वो प्लान्स बनाने होंगे जो कि मैंने आपको कई बार अपने पिछले वीडियोस में बताया कि किस तरह से फास्ट करें अपनी जापानीज़ लैंग्वेज की स्टडी को। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अपने सबसे पहले काइवा पर फोकस करना है, सबसे पहले अपनी लिसनिंग पर फोकस करना है, सबसे पहले अगर आपने अपनी कांजी और रीडिंग को काइवा से सीखा, लिसनिंग से सीखा, तो ही आप उस चीज़ को बड़े शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं। हालांकि अगर बिना जॉब वाले स्टूडेंट्स भी ये काम करें तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप जॉब करते हैं तो इतनी अकल आ ही जाती है एक बच्चे में कि जॉब वालों ने जब मुझे बोला कि मुझे शाम को 6 बजे तक ये 3 पेज ट्रांसलेटेड चाहिए, तो वो कुछ भी करे वहाँ पर, वो अपनी मम्मी पापा, मैं मम्मी को बुला लूँगा, पापा को बुला लूँगा, ये सब नहीं बोलता है, वो फटाफट से करके देता है और फिर भी खुश रहता है। तो सेम चीज़ इसके अंदर भी सोचिए कि अगर आपको स्टडी में करना है या अगर आपको कोई नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, तो आपको सेम साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी। ये सब कुछ साइकोलॉजी पर होता है। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके पास वो मटेरियल नहीं है तो सबसे पहले वो मटेरियल अरेंज करिए जो कि आपको काइवा के तौर पर, चौकाई के तौर पर, यानी कि लिसनिंग के तौर पर वो सिखा पाए, और फिर आपके लिए सिर्फ 1 या 2 महीने की गेम रह जाती है नेक्स्ट लेवल को पार करना। जैसे अगर आप N4 है तो N3, या फिर अगर आप N3 हैं और जॉब कर रहे हैं तो N2 को पार करना सिर्फ 1 या 2 महीने की गेम रह जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप अपने करियर के साथ साथ स्टडी और स्टडी के साथ साथ करियर बिना किसी चीज़ को हार्म करे आगे जा सकते हैं। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट, देखिए दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना, जैसे कि मैंने अभी 2 पॉइंट्स में बताया कि आपको साइकोलॉजी और प्लानिंग, इन दोनों चीज़ पर रहना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है डिसिप्लिन का पॉइंट।
मैं मानता हूँ डिसिप्लिन में रहना खास तौर पे हम इंडियंस के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है, हमें पार्टीज चाहिए होती हैं, हमें ट्रैवल चाहिए होता है, हमें अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए होता है, हम जापानीज़ की तरह काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी थोड़ा 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 कोशिश करिए कि अगर डिसिप्लिन में रह के, अगर सिर्फ एक साल मैं डिसिप्लिन में रहूँ तो फाइनली आपके पास वो जॉब आ सकती है और वो क्वालिफिकेशन आ सकती है जिसमें आप अपने आप को चूज़ कर सकते हैं कि मुझे इस काम को करना है या नहीं करना, या फिर मुझे इतनी सैलरी पर काम करना है या नहीं करना। स्टार्टिंग में सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अच्छा एक साल मैं डिसिप्लिन में रहूं, दो साल मैं डिसिप्लिन में रहूं, ओह माय गॉड। लेकिन दो साल बाद मान लीजिए अगर आपके पास दो साल का एक्सपीरियंस है वर्क का और आपके पास एन टू क्लियर्ड है बिना किसी और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के, जो कि हमेशा कंपनीज मांगती है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो या फिर सेल्स का एक्सपीरियंस हो या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो कि आईटी में हमें हेल्प करे, बिना किसी उस चीज़ के आप एक साल का पैकेज 12 लाख तक का भी अचीव कर सकते हैं, 10 लाख का भी अचीव कर सकते हैं, 14 लाख का भी अचीव कर सकते हैं, आपके सिर्फ दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये सब कुछ समझ आया होगा कि मुझे अपना करंट करियर बचाते हुए अपना फ्यूचर करियर किस तरह से बनाना है और अपने JLPT लेवल को N4, N3, N2, N1 तक कैसे पहुंचाना है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप हमारे इन वीडियोस को देखिए, इन वीडियोस में मैंने आपको पूरी तरह से समझाया है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप हायर लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच।